DEF टैंक गार्ड अपना मेटल का कितना बढ़िया लगा हुआ है चेसी पे बिल्कुल। ये देखो ये मेटल के क्लैंप है, पेंटालिंक सस्पेंशन देख रहे हो, ये लेटरल मूवमेंट कम कर देता है गाड़ी की, तो बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में इसकी वजह से। इंजन चेक लाइट आ रही थी, उसका जो फॉल्ट डिटेक्ट हुआ ओबीडी स्कैनर से, वो फॉल्ट था आपका DEF डोजिंग से रिलेटेड। अपनी गाड़ी का जो कूलेंट का टेम्परेचर था वो 125 डिग्री से ऊपर था। 20,000 किलोमीटर स्कॉर्पियो एन डीजल फोर व्हील ड्राइव का बिल है करीब। Hey, good morning guys, welcome back to another video. भाई फिलहाल सुबह के 8:40 हो गए हैं और अपने को जाना है अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके, क्योंकि इसकी 20,000 वाली सर्विस आ गई है। गाड़ी हमारी चल गई है ऑलमोस्ट 19,300 किलोमीटर्स और अभी लद्दाख ट्रिप से आए हुए एक ही वीक हुआ है। वो व्लॉग्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ रहे होंगे, तो अगर आप वो देख रहे हो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई हमारी गाड़ी में ना लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास एक दो MID में एरर्स आ गए थे। एक है इंजन चेक लाइट, जिसको अब महिंद्रा बोलती है OBD टेल टेल, और उसके साथ ब्रीफली मुझे एक एरर आया था जो कि था ESC से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है वो इंजन चेक लाइट भी उसी वजह से आई थी, और ये हुआ था पेंगोंग लेक से जब हम हानले की तरफ जा रहे थे तब। और उसके साथ मुझे एक बार और एरर आया था हिल होल्ड कंट्रोल का। गाड़ी हाईवे पे चल रही थी अराउंड 80-90 की स्पीड पे, और हिल होल्ड कंट्रोल वाला साइन MID पे आ गया था। वो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा कि क्या दो तीन एरर्स आए थे गाड़ी में। ऑल्दो वो हिल होल्ड कंट्रोल वाला साइन 100 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद चला गया था, बट डेफिनेटली कोई ना कोई सेंसर गड़बड़ है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम महिंद्रा। यार इनको सेंसर्स पे ना थोड़ा R&D बेटर करना चाहिए सही में। तो ये दो तीन इश्यूज हैं, प्लस 20,000 किलोमीटर की सर्विस करानी है जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, और एयर फिल्टर मैं ऑलरेडी चेंज करा चुका हूँ, टायर्स की रोटेशन होगी, ब्रेक्स क्लीनिंग होगा, तो ये सब काम रहने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ कॉस्ट आती है, कितना टाइम लगता है। अभी फिलहाल 9:15 की मेरी अपॉइंटमेंट है सेक्टर 18 गुड़गांव में कॉन्सेप्ट महिंद्रा में। तो भाई ये जो आप साइन देख रहे हो ना OBD टेल टेल या इंजन चेक लाइट, ये आ रही है पेंगोंग लेक से। वहां से हम हान ले गए, उमलिंगला गए और फिर ले होते हुए दिल्ली वापस आए हैं, तो ये तभी से आ रही है। पावर में कोई ड्रॉप नहीं है, गाड़ी लिंप मोड में नहीं गई, तो DEF या DPF चोकिंग से इसका कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। एक बार मुझे ब्रीफली यहाँ पे ESC वाली लाइट दिखाई दी थी गाड़ी चलते हुए एक दो सेकंड के लिए, तो उसी से मुझे लग रहा है कि ये ESP या ESC रिलेटेड कोई सेंसर माल फंक्शन की वजह से हुआ है। बाकी तो आज जाके OBD से कनेक्ट करा के इसके सारे सेंसर्स को एक बारी चेक करा लेंगे, देखते हैं क्या फॉल्टी निकलता है। बाकी आप किलोमीटर्स देख लो, 19,261 किलोमीटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं अपनी गाड़ी को 8 मंथ्स में। बाकी भाई अगर आपने मेरे ट्रेवल व्लॉग्स नहीं देखे हैं चैनल पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल एक वीक पहले हम लोग पूरा लद्दाख का सर्किट कंप्लीट करके आए हैं, और इस बार जो हमने लद्दाख सेलेक्ट किया था वो था जांस्कार वैली। हम लोग गए थे मनाली से शिंकुला टॉप होते हुए पदुम, वहां से हम लोग गए थे ले से पेंगोंग लेक, हानले एंड देन वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला पास। और उस पूरी ट्रिप पे हम लोगों को बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग करने को मिली थी,
100 से 150 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग, 100 प्लस किलोमीटर अपने को स्नो मिली थी। उमलिंगला पास हमने स्नो में ड्राइव की थी, अकेले हमारी गाड़ी थी, तो बहुत ही तगड़ी ड्राइव रही थी वो, बहुत अल्टीमेट मजा आया था और तगड़ी एडवेंचरस ट्रिप थी। और गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस गाड़ी की रही थी, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, भरपूर पावर। मतलब पदुम से अगर आप ले जाते हो ना सिंगेला सिरसिरला होते हुए, तो भाई प्रॉपर ऑफ रोड मिलता है आपको, बहुत हाई पासेस मिलते हैं, बहुत खराब रोड मिलता है। और वहां पे अपनी गाड़ी ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। एक जगह वहां पे, एक या दो जगह हमने वहां पे 4 हाई और 4 लो भी लगाया था, और गाड़ी ग्लाइड करते हुए बोल्डर्स के ऊपर से निकल गई थी। 4 लो में तो खासकर इतनी जबरदस्त पावर है, कहीं पे कोई भी इशू अपने को परफॉर्मेंस वाइज नहीं हुआ इस गाड़ी को लेके लद्दाख में, एक्सेप्ट जो MID में 1-2 एरर्स आए थे उसको छोड़ के। बाकी स्नो पे हमने 4H में ड्राइव किया स्नो मोड लगा के, और गाड़ी भाई मतलब छिपकली की तरह चिपक के चली थी, जैसे छिपकली दीवार पे चिपक के चलती है ना, ऐसे ये गाड़ी स्नो पे चली थी। कहीं पे भी 1% भी ट्रैक्शन लूज नहीं हुआ स्नो में, और हमारी पहली गाड़ी थी उमलिंगला पास जाने वाली उस दिन स्नो में, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अकेले सोलो ड्राइव कर रहे थे, और भाई मजा आ गया था। गाड़ी की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सस्पेंशन तो ऐसा है स्कॉर्पियो N का पेंटालिंक सस्पेंशन कि भाई जहां खराब रास्तों पे बाकी गाड़ियां आप 20 की स्पीड पे चलाते हो ना, वहां ये गाड़ी 50-60 की स्पीड पे ग्लाइड करते हुए निकलती है, गड्ढों को पीते हुए निकलती है, अंदर तक कुछ नहीं आने देती। इतनी कंफर्टेबल ड्राइव है स्कॉर्पियो N की। और मैंने उन वीडियोस में भी बोला है कि अगर अपने पास स्कॉर्पियो N नहीं होती, कोई और गाड़ी होती ना, तो डेली हमें ये लगा लो 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ता, हमें एक्स्ट्रा टाइम लगता। ये तो ये गाड़ी थी कि हम बहुत तगड़ी स्पीड में खराब रास्तों पे जा पा रहे थे, और मतलब मजा ही आ गया था। तो अल्टीमेट एडवेंचर था अपनी लद्दाख ट्रिप पे। आप वो व्लॉग्स मेरे चैनल पे देख सकते हो इनकेस आप इंटरेस्टेड हो। बाकी तो भाई परफॉर्मेंस से मजा आ गया गाड़ी को, मतलब पैसा वसूल गाड़ी है ये। और आप ऐसी जगह जाते हो ऑफ रोडिंग करते हो तो भाई 4x4 वेरियंट लो, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। बाकी तो ये ट्रैफिक से निकलते हैं और फिर सीधा चलते हैं भाई सर्विस सेंटर। भाई 9:15 की अपनी अपॉइंटमेंट थी, 9:15, और ये महिंद्रा आ गया है सामने। ये देखो, यू हैव अराइव्ड। मैं कभी लेट नहीं होता भाई, कभी भी टाइम से पहले ही मिलूंगा। ये आ गए सेक्टर 18 कॉन्सेप्ट महिंद्रा। चलो फटाफट देते हैं सर्विस के लिए गाड़ी। के लिए है ना ये पूरी यूनिट। इससे क्या देख रहे हो भाई? ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी, पानी है ना इसके अंदर, पानी वाली बैटरी है ना ये। थोड़ा बहुत, हाँ हाँ हल्की फुल्की है, बट ये ज़रूरी भी है यार, मैं जो ऑफ रोडिंग करता हूँ ना। हाँ ये मेटल की है ना,
तो कुछ टूटेगा नहीं। ये देख लो भाई DEF टैंक गार्ड अपना मेटल का कितना बढ़िया लगा हुआ है चेसी पे बिल्कुल। ये देखो ये मेटल के क्लैंप पे लगा हुआ है एकदम मस्त DEF टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी भाई ये है पेंटालिंक सस्पेंशन देख रहे हो, ये लेटरल मूवमेंट कम कर देता है गाड़ी की, तो बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में इसकी वजह से जो रियर एक्सल पे लगा है। ये दो रॉड जा रही है ना सस्पेंशन में टायर्स की तरफ, ये पेंटालिंक सस्पेंशन। बाकी भाई डिस्क पे भी कोई लाइंस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है अपना अभी तक, बहुत बहुत ही बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू जैसा ही है। ठीक है भैया ब्रेक्स। नहीं है। अच्छा तभी वो रेड दिखा रहा है इसमें, यार बहुत ज्यादा सेंसर डाल दिए यार। इंजन कूलर टेम्परेचर एक्सीलरेटर पेडल ट्रेवल much 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 later। फाइनली 7 घंटे बाद अपनी गाड़ी मिली है और कई चीजें इसमें हुई नहीं है क्योंकि इतना लोड है महिंद्रा के पास सर्विस सेंटर पे। घोड़े खुल गए यार वेट कर करके, पीछे पड़ पड़ के कि भाई करा दो करा दो। सेक्टर 18 गुड़गांव कॉन्सेप्ट महिंद्रा भाई एवरेज एक्सपीरियंस है, स्लो ही है बंदे काम करने में। बिल बनाने में 1 घंटा लगा दिया यार, बिल बनाने में 1 घंटा लग गया। बाकी 2-3 मेन चीजें हैं, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग इन्होंने मना कर दिया करने को, कहते कि सर आपके गाड़ी में टायर्स अपग्रेडेड है तो हम कर नहीं पाएंगे। मुझे समझ नहीं आया क्यों भाई, इनकी कोई मशीन की सेटिंग है डिफॉल्ट गाड़ी के हिसाब से वही चला रहे हैं शायद ये, क्योंकि सेक्टर 37 गुड़गांव जो कि कॉन्सेप्ट महिंद्रा का ही सर्विस सेंटर है उस पे मैं व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग पहले करा चुका हूँ इन्हीं टायर्स पे, तो कोई इशू नहीं था। इन्होंने वो मना कर दिया तो वो चीज हट गई। वॉशिंग क्लीनिंग मैंने मना करा दिया जबकि मेरी गाड़ी इतनी गंदी है अंदर से, लद्दाख की मिट्टी भरी पड़ी है। लेकिन भाई ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, अगर अब मैं वॉशिंग पे गाड़ी लगाता तो और 3 घंटे मिनिमम लग जाते हैं, इतनी गाड़ियां हैं। तो वॉशिंग क्लीनिंग भी नहीं हुई अपनी, वो पेंडिंग है, कभी इस साइड आऊंगा हफ्ते 10 दिन में, इस साइड आना हुआ तो करा लेंगे, नहीं तो बाहर से ही करा लूंगा पे करके। उसके अलावा जो चीजें चेंज हुई हैं 20,000 किलोमीटर सर्विस में, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, ये 3 चीजें चेंज होती हैं। उसके साथ एयर फिल्टर रिप्लेस होता है, लेकिन मैं एयर फिल्टर लद्दाख ट्रिप पे जाने से पहले ही रिप्लेस करा गया था तो वो मेरा एयर फिल्टर अभी क्लीन हुआ है। उसके साथ में आपकी टायर रोटेशन होती है 20,000 किलोमीटर्स पे और साथ में अलाइनमेंट बैलेंसिंग होनी चाहिए थी, अब अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो हुई नहीं बट मैंने टायर रोटेशन करा ही लिए। अभी 1-2 दिन में बाहर से इसकी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग अपन करा लेंगे तो वो पेंडिंग है।
उसके साथ में ब्रेक पैड्स मैंने क्लीन करा दिए और अपने ब्रेक पैड्स गाड़ी के बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो मात्र ये काम था जिसका मैंने पे किया है टोटल अमाउंट 4087 रुपीज, 4087 रुपए पे किए हैं। अब इसमें आप व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ऐड कर लो तो वो लगा लो 1200 रुपए, 1500 रुपए मैक्सिमम वो लगेगा आपका। बाकी भाई 2 लीटर DEF डला है मेरी गाड़ी में, और उसका एक रीजन था कि जो इंजन चेक लाइट मेरी गाड़ी में आ रही थी उसका जो फॉल्ट निकल के आया OBD स्कैनर में वो था DEF डोजिंग से रिलेटेड। तो DEF स्प्रे करने के लिए ना एक मैकेनिज्म, एक डिवाइस लगा होता है इंजन के पास जहां से जो स्प्रे करता है DEF, ताकि जो भी एग्जॉस्ट में गैसेस निकले ना तो DEF यूरिया उसके साथ मिक्स करके उनको बर्न कर दे, वो ब्लॉक हो गया था स्प्रे। तो वहां थोड़ा थोड़ा स्प्रे हो रहा था जिसकी वजह से चेक लाइट आई थी, ऐसा OBD स्कैनर में इन्होंने जब स्कैन किया तो पता लगा। तो उस एक जो DEF का स्प्रे वाली जो यूनिट है ना उसको खोल करके क्लीन करके और वापस लगाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। उसकी पूरी प्रॉपर अलाइनमेंट लगी नहीं रही थी, बैठ ही नहीं रही थी बंद करते वक्त, उसको खुल तो गया वो 15-1 मिनट में, फिर क्लीन हो गया 15 मिनट में, लेकिन उसको जब वापस से जगह पे अपनी प्लेस पे लगा रहे थे ना भाई, उसमें 1.5 से 1.75 घंटा चला गया। उसकी पोजीशन ऐसी है, वो नट ऐसा है भाई, लगा ही नहीं इनसे। तो एक वो पार्ट DEF डोजिंग वाला जो स्प्रे वाली यूनिट है उस पार्ट को खोल के क्लीन करके और वापस से लगाने में 1 से 1.5 घंटा चला गया। और फिर वो प्रोसेस करने के बाद लैपटॉप फिर से कनेक्ट करना था, और उसके बाद फिर से इनको क्या था 2-3 प्रोसेस चलानी थी। SCR की कुछ प्रोसेस है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। वो यूनिट खोल के लगाई है तो दोबारा कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कोई लीकेज तो नहीं है DEF में, या स्प्रे प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। तो वो 2-3 प्रोसेस चलाने में भाई 2-2.5 घंटे चले गए, क्योंकि अपनी गाड़ी का जो कूलेंट का टेम्परेचर था वो 125 डिग्री से ऊपर था, और उसको ठंडा होके 80 डिग्री से नीचे आना था तब वो प्रोसेस चल सकती थी। उसमें भाई 1-1.5 घंटा तो उसी में वेट करना पड़ गया अपने को, वो टेम्परेचर नीचे आया ही नहीं। बोनट खोल के रखा बहुत देर, लंच करके आ गए तब जाके नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसेस चलाई है, 10-15 मिनट उसमें गए। उसके बाद भाई DEF रीजन करना पड़ता है तो वो किया, उसमें 1/2 घंटा चला गया। फिर टेस्ट ड्राइव पे लेके गए गाड़ी को कि कोई फॉल्ट तो नहीं है कोई, उसमें 1/2 घंटा चला गया। फिर बिल में 1 घंटा चला गया, तो भाई ऑल इन ऑल पूरा दिन चला गया भाई, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं था, एवरेज एक्सपीरियंस था। सेक्टर 18 गुड़गांव में कॉन्सेप्ट महिंद्रा, मतलब यार लोड बहुत ज्यादा है, बंदे कम है और स्लो काम कर रहे हैं बंदे, नहीं तो एकदम होता है ना बंदा हसलर की भाई भागम भाग लगा पड़ा है। सर्विस करने वाला भी स्लो और बिल बनाने वाला भी स्लो, एडवाइजर भी स्लो, सभी स्लो थे। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और उसके बाद भी अपनी क्या क्या चीजें पेंडिंग रह गई, वॉशिंग क्लीनिंग पेंडिंग रह गई, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग पेंडिंग रह गई। बाकी इसका जो DEF डोजिंग माल फंक्शन जो था इसका कोई रीजन इन्होंने बताया नहीं, इनको पता नहीं था शायद। तो मतलब ये कभी 10,000 किलोमीटर पे भी हो जाता है, किसी गाड़ी में 50,000 किलोमीटर पे भी हो जाता है, तो ये मतलब कंडीशंस के ऊपर ही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये इसी वजह से होगा क्योंकि हम बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में गए थे और हम 4,000 मीटर से ऊपर कंटिन्यूअसली कई दिन तक रहे थे, तो वहां पे एयर प्रेशर बहुत लो रहता है। तो इस चक्कर में भाई हो सकता है कि जो स्प्रे है DEF का वो ढंग से ना हुआ हो, तो वो जम रखा था, क्लियरली दिख रहा था उस यूनिट के आसपास व्हाइट कलर का DEF जम गया था, जिससे वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जहां से DEF स्प्रे होता है। बाकी तो सब ठीक ही रहा, 4087 रुपए बिल आया, इसके ऊपर आप 1500 रुपए और जोड़ लो मैक्सिमम व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के, तो टोटल बिल ये लगा लो 20,000 किलोमीटर। स्कॉर्पियो एन डीजल 4-व्हील ड्राइव का बिल है करीब 5,500 रुपए टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट तो भाई बहुत ही मिनिमल है, इससे ज्यादा तो मेरी ब्रेजा की सर्विस कॉस्ट आती थी जो मैं कंपनी में कराता था। तो अब चलते हैं भाई, हो गया आज का दिन खत्म और थक गए बहुत ज्यादा। बाकी भाई लद्दाख की मेरी सीरीज चल ही रही होगी, शायद ये वीडियो उनके बीच में आ जाए,
आई रियली डोंट नो, देखेंगे। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो लद्दाख को लेके या इन जनरल गाड़ी को लेके, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी आपसे मिलेंगे आप एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, साइनिंग ऑफ, जय माता दी।